जय गुरुदेव। भक्तों, आज हम सुनेंगे कहानी बाबा जी की बुलेट प्रूफ कंबल की। हम सब जानते हैं दोस्तों कि नीम करोली बाबा जी को कंबल वाले बाबा जी भी कहा जाता है। उनके कंबल कितने ज़्यादा शुभ हैं, कितनी उनकी मान्यता है, ये सब हम भक्तजनों को पता है। लेकिन कंबल उनसे कैसे जुड़ा, क्या कहानी है इस कंबल के पीछे, क्या आप सब भी जिज्ञासा रखते हैं इसको जानने की? तो चलिए जानते हैं। आज बाबा के अनेकों भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। अचानक एक रात को बाबा उनके घर पर आए रात रहने के लिए। उन्हीं के साथ रुके वो और उनका एक कंबल लपेटकर चुपचाप सो गए। बाबा ने खाना भी नहीं खाया। जब बाबा रात को कंबल में सोए थे तो वो कंबल के अंदर बहुत करहा रहे थे। करहाने की आवाजें आ रही थी जैसे बाबा को बहुत मार पड़ रही हो। बुजुर्ग दंपत्ति भी रात भर परेशान रहे। बाबा ने खाना भी नहीं खाया और करहा भी रहे हैं। पता नहीं बाबा को क्या कष्ट हो रहा होगा, ये बातें कर रहे थे दोनों दंपत्ति आपस में। सुबह बाबा उठे, उन्होंने रात भर ओढ़ा हुआ कंबल तह बनाकर दंपत्ति को दिया और कहा या उन्हें आदेश दिया कि इसे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए और ध्यान रहे इसे खोलकर मत देख लेना। दंपत्ति ने बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल को ले लिया। कंबल बहुत भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें बहुत सारा लोहा भरा हुआ है और लोहा आपस में बज भी रहा था। मगर जब बाबा जी ने कहा है तो उन्होंने बाबा की आज्ञा अनुसार उस भारी कंबल को गंगा में प्रभावित कर दिया। मिरेकल ऑफ लव में ये घटना 1943 में बताई गई है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि मिरेकल ऑफ लव जो मैंने कहा वो क्या है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना की तरफ से कई भारतीयों ने भी युद्ध में भाग लिया था। तब हम बंदी थे दोस्तों, और इसी युद्ध में बर्मा फ्रंट में इस बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा भी था। बुजुर्ग दंपत्ति ने अपना दुख बाबा को बताया तो बाबा बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा एक माह में वापस आ जाएगा। वास्तव में भक्तों, उनका बेटा एक माह बाद द्वितीय विश्व युद्ध से सकुशल वापस आ गया और उसने अपने माता पिता को बताया कि युद्ध की एक रात उसके साथ एक चमत्कार हुआ। अब कहानी को ध्यान से सुनिएगा भक्तों। बेटे ने बताया अपने माता पिता को कि एक रात उसी युद्ध के दौरान उसके साथ एक चमत्कार हुआ। एक रात वह जापानी सैनिकों के बीच में अकेला फंस गया। जापानी सैनिक रात भर गोलियां बरसाते रहे लेकिन उसे एक भी गोली छू तक नहीं पाई और दूसरे दिन सुबह ब्रिटिश फौज उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गई और वह सकुशल वापस आ गया। इतना सुनते ही बूढ़े दंपति की आंखें भर आई, क्योंकि जिस रात का जिक्र उनका बेटा कर रहा था उस रात बाबा नीम करोली उनके घर आए थे और उनको बाबा के करहाने और भारी कंबल का राज समझने में अब देर नहीं लगी। जब बाबा के इसी प्रकार की चमत्कारी घटनाओं का वर्णन उनके शिष्य रामदास ने अपनी पुस्तकों में किया तो बाबा की कीर्ति विश्व में फैलती चली गई। नीम करोली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी के अवतार भी मानते हैं। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। बाबा नीम करोली ने दुनिया भर में हनुमान जी के 108 मंदिर बनाए
और दोस्तों, मिरेकल ऑफ लव क्या है? मिरेकल ऑफ लव से बाबा नीम करोली जी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। नीम करोली की घटना के बाद बाबा विख्यात हो गए और वो सबसे प्रसिद्ध धाम कैची धाम आश्रम में रहने लगे। 1967 में वहां उनसे प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध शिष्य रामदास मिले। रामदास एक अमेरिकी थे। उनका मूल नाम रिचर्ड एल्पर्ट था। रिचर्ड एल्पर्ट जो थे वो बाबा जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा जी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बनने का निर्णय लिया और अपना नाम एल्पर्ट रामदास रख दिया। एल्पर्ट रामदास ने भक्तों 15 पुस्तकें लिखी। इनमें से बाबा नीम करोरी जी पर आधारित मिरेकल ऑफ लव काफी प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध किताब से बाबा नीम करोली जी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। मिरेकल ऑफ लव में बाबा जी के बारे में कई सच्चे किस्सों और कहानियों को बताया गया है और इसी मिरेकल ऑफ लव पुस्तक का एक सबसे अच्छा, सबसे प्यारा सा जो एक हिस्सा है वो था ये कहानी जो अभी मैंने आपको सुनाई, कहानी बुलेट प्रूफ कंबल की। आशा करती हूँ दोस्तों आपको अब बाबा जी के कंबल का राज जब पता चला है तो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप ये जानकर और प्रसन्न होंगे कि जब आप कैची धाम के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक लकड़ी का तख्त रखा हुआ है। तख्त यानी कि लकड़ी की चारपाई रखी हुई है जो बाबा जी की ही है, जिसमें बाबा जी स्वयं विराजमान रहते थे और भक्तों से मिला करते थे। और कंबल आप देखिए, उनकी हर तस्वीर को देखिए, उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था। कहते हैं बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते थे वो कंबल से, तो उनका ओढ़ा हुआ वो कंबल आज भी उस तख्त पर बिछाया जाता है और लोग वहां बैठकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वहां बैठकर मेडिटेशन करते हैं। और बहुत जो डूब जाता है भक्त दोस्तों उनकी भक्ति में, वो यहाँ तक भी कहता है कि उनको बाबा जी साक्षात दिखाई देते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो बाबा जी को महसूस करते हैं और अगर बाबा जी उन्हें अलाउ कर देते हैं तो बाबा जी के पांव भी छू लेते हैं वो भक्तगण। तो भक्ति जो होती है भक्तों, सब आपके दिल में होती है, आपके एहसास में होती है। बस आपको अपने आप को समर्पित करना होता है। आप समर्पित करेंगे तो खुद ब खुद बाबा आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो चलिए फिर बाबा जी का नाम लेते हुए शुरू करते हैं राम नाम का जप। बोलो राम 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 शांति शांति शांति।